करने कुछ जाते हो कुछ जाता, वहाँ पे भी तालिबान भाई बैठे थे। नोट तो है ही नहीं, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई रद्दी हो। और यहाँ पे जितने भी आपको लोग मिलेंगे सारे यहाँ पे काफी अमीर हैं। मतलब अफगानिस्तान में जिस तरह की ड्रेसिंग की जाती है इनकी बिल्कुल वैसी ड्रेसिंग यहाँ पे नहीं है। ये मांगते नहीं है, यहाँ पे हाथ नहीं फैलाते, बल्कि छोटा मोटा अपना ना कारोबार कर लेते हैं। ये भाई साहब यहाँ पे लीमू बेच रहे हैं, अफगानियों वाला ही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। अभी हम मौजूद हैं अफगानिस्तान के कंदार सिटी में, और जहाँ पे हम एक इलाके में जा रहे हैं जिसे इनू मिनू बोलते हैं, सिटी कह लें एरिया कह लें, तो वहाँ पे जा रहे हैं। अभी गाड़ी हमने ले ली है भाई, रोड पे चलने में मुसीबत ये है कि तालिबान जो है ना, मैंने समझा पता नहीं फिर से आ गया। अभी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इस वजह से मुझे उन जगहों का पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे पहुँच के आपको सारी डिटेल देंगे। भाई जान 15-20 किलोमीटर। तो भाई लोग अभी हम इंटर हो चुके हैं, ये सामने गेट है, मतलब ये एक कॉलोनी की तरह ही है। दोस्तों अभी हम इनू मिनू में आ चुके हैं, ये एक इलाका है जहाँ पे काफ़ी सारे अमीर लोग रहते हैं। यहाँ पे जो कंदार में जितने भी ऑफिसर हैं उनके सभी के घर यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ना काफ़ी रईस हैं जिनके बाहर कारोबार हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ पे इन लोगों का रहन सहन देखते हैं, इन लोगों के घर देखते हैं। लस्सी का ये लस्सी है भाई साहब, यहाँ पे लोग वो दूसरे वाला लस्सी नहीं पीते क्या? कौन सा? नहीं, हमारे पंजाब में जो कराची में जो पंजाब लाहौर में मिलता है वो नहीं मिलता है भाई का। अच्छा, और यहाँ पे जो है मीठा चीज पसंद नहीं करता है, सही है, मतलब इतना ये फीका है, इतना फीका भी नहीं है। चलो इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं इसका जायका कैसा है। लोग यहाँ पे इसे काफी पसंद करते हैं, मीठा लस्सी तो नहीं मिला तो यही ट्राई करते हैं यहाँ पे। ये इनका रिफ्रेश पॉइंट है, तो यहाँ पे आए थे यार, बाकी की कोल्ड ड्रिंक्स तो पीने को दिल नहीं करता, मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा देसी देसी माहौल बनाया जाए। अभी ये डोनेट्स हमने लिए हैं और ये हमें यहाँ पे 80 अफगानी में मिले हैं, और यहाँ पे अभी हमारी लस्सी आ रही है। लस्सी का यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया पैक वो 25 अफगानी में है, मतलब सस्ती है, पाकिस्तानी कितना बन गया, तकरीबन 80 रुपए के करीब यहाँ पे लस्सी आपको मिल रही है, वो भी 2 गिलास। वैसा यहाँ पे दूध नहीं मिलता जैसे हमें वहाँ से दूध मिलता है खुले में, यहाँ पे ये इस तरह पैक में होता है, और साथ में यहाँ पे हम डोनेट खा रहे हैं और साथ में इंजॉय करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं आगे। और भाई साहब ये सामने जो है ना ये तालिबान, उन्होंने भी आके यहाँ पे हमारी तहकीकात की है, मतलब वैसे तो नहीं कि पासपोर्ट दिखाओ, ये चीज़ दिखाओ, वो दिखाओ, अच्छे लोग हैं, मतलब सलाम दुआ करने आए थे यहाँ पे। बहुत शुक्रिया भाई, ये देखो ऐसे नोट यहाँ पे चल रहे हैं, मतलब नोट तो है ही नहीं, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई रद्दी हो, बहुत पुरानी खस्ता हाल में। कराची में ये काम करते रहे और अभी हाल में यहाँ पे आए, तो बहुत शुक्रिया भाई जान। मेरा एक सवाल है, अच्छा। यहाँ पे ये दूध आप कहाँ से लाते हैं? अपना मतलब बाड़े से लाता है। सही। अच्छा, मतलब अपना बना रखा है यहाँ पे, कोई नजदीक है? ये मतलब पैसों वाला नहीं है, गाय का दूध है। अच्छा, ये सारा गाय का दूध है, कंदार में बेस नहीं होता है, गाय होता है, गाय का। सही भाई, के लिए कोई खिदमत? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मतलब तकलीफ वकलीफ? बहुत बहुत मेहरबानी भाई, बहुत मतलब बहुत शुक्रिया भाई जान, बहुत शुक्रिया। तो यार इतनी इज्जत दे रहे हैं यार, देखें ना, अगर इतनी मेहमान नवाजी करेंगे क्यों ना दिल करेगा यहाँ पे बार बार आने को। अभी बाहर निकले यहाँ पे, आपको अब सैर करवाते हैं यहाँ के इलाके की। ये देखिए यहाँ पे पीछे ये घर कितना खूबसूरत है, और इसी तरह करके ये सारी लाइन वाइज इसी तरह के घर हैं, जैसे हमारे कराची में जो क्लिफ्टन है और इसके अलावा वहाँ पे डिफेंस है, सेम टू सेम वैसा यहाँ पे भी सीन है। और यहाँ पे जितने भी आपको लोग मिलेंगे सारे यहाँ पे काफ़ी अमीर हैं। अभी एक मस्जिद में आए, सभी घर हों या जो भी यहाँ पे इमारत हो उनका एक तरह का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे देखिए खूबसूरत यहाँ पे ये मस्जिद, और जहाँ पे ये वजू खाना है, अभी नमाज वगैरह पढ़ते हैं, थोड़ा सुकून करते हैं, काफ़ी तेज़ धूप है, और उसके बाद फिर निकलते हैं बाकी के इलाके यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। ये मस्जिद है जी, जिसे लाल मस्जिद बोला जाता है, और ये इना मीना के इस एरिया में आती है। गर्मी काफ़ी तेज़ है यहाँ पे, इस वजह से लोग बाहर निकले नहीं हुए, यहाँ पे बिल्कुल रोड खाली पड़ी है। मतलब अफगानिस्तान में जिस तरह की ड्रेसिंग की जाती है इनकी, बिल्कुल वैसी ड्रेसिंग यहाँ पे नहीं है, मतलब ये यूरोपियन कंट्रीज़ जैसा इनका कुछ पहनावा है, लेकिन अभी तालिबान के होते हुए कुछ ये कंट्रोल में है, क्योंकि अभी सब कुछ चेंज हो चुका है ना यहाँ पे। तो
यार पड़ रही है, वो कैमरे पे भी बड़ा यहाँ पे सुकून आ रहा है। यहाँ पे दो मिनट खड़े होते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं आगे। तो यहाँ पे एक मस्जिद आ रही है, जामिया उमर के नाम से मस्जिद है, काफ़ी बड़ी है। अभी उसी तरफ निकलने का प्रोग्राम है हमारा। यहाँ पे आए थे लेकिन यहाँ पे बिना गाड़ी के यार कोई ना माहौल नहीं है, कोई सीन नहीं। और वैसे भी यहाँ पे शाम को थोड़ा यहाँ पे रंगीन सा माहौल बनता है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं गाड़ी वाड़ी लेके। तो खैर जी, अभी यहाँ से वापस निकल रहे हैं। वो दुकान पे गए यार, मैंने बात करी तो उसका मूड ऑफ सा। मैंने सोचा पाकिस्तानी है, पंजाबी है, हमसे बड़ा वेलकम अंदाज से मिलेगा, लेकिन वो तो बिल्कुल भाई साहब चेंज उसका। तो आपने देखा जाए कैसे मुंह झुका हुआ था, बाद में पता चला यहाँ पे वो जो है ना इलीगल काम कर रहे हैं। तो इस वजह से वो घबरा गया, उसने कहा ये क्या मीडिया शीडिया वाले आ गए। हमने कहा यार मीडिया नहीं, हम तो सिर्फ सिंपल यूट्यूब चैनल से हैं, तो आपकी वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको एतराज़ है तो वीडियो हटा देंगे। करने कुछ जाते हो कुछ जाता, वहाँ पे भी तालिबान भाई बैठे थे, उनने कहा ये क्या मतलब। तालिबान में कौन थे? वो तालिबान नहीं थे, वो जो है वो जो सलून है उसका ओनर था। अच्छा। तो वो जो पंजाबी जो वहाँ काम कर रहा है उसकी जमानत उस बंदे ने ली हुई है, वो वहाँ काम करता है। तो वो हमसे क्यों डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहा था, पासपोर्ट मांगे जा रहा था? और वो ये पूछ रहा था भाई आप मेरी दुकान पे आके वीडियो बना रहे, आपने किस से इजाजत ली? आपने अभी जी ये मस्जिद का गेट है और बंद है, सुनने को मिल रहा है कि 4 बजे यहाँ पे ओपन होता है। तो बड़ा अच्छा लेके आए थे, यहाँ पे मस्जिद देखनी है। तो अंदर यहाँ पे जो गेट है वो ओपन नहीं है, जिसकी वजह से नहीं जा पा रहे। तो यहाँ से बाहर ये फ्रूट के काफ़ी सारे यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, ठेले हैं। तो यहाँ पे सोच रहे हैं यहाँ पे फ्रूट श्रूट खाते हैं, टाइम पास करते हैं, जब गेट ओपन होगा फिर अंदर जाके अंदर का भी व्यू लेंगे। ये देखिए जी, छोटे छोटे ठेलों पर लोगों ने इस तरह की सब्ज़ी लगा रखी है। अब सब्ज़ी में यहाँ पर समझ में नहीं आ रही ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये हरा धनिया है और ये बाकी की आइटम जो हैं बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पे ये सब्ज़ी तो हमारे वाली ही है और ये सारा मतलब ना बाज़ार में लोगों ने इसी तरह करके रेहड़ियाँ लगा रखी हैं, जिनके ऊपर मुख्तलिफ यहाँ पे फ्रूट्स लगाए हुए हैं। ये भाई साहब यहाँ पे लीमू बेच रहे हैं, इस तरह छोटा मोटा ये यहाँ पे अपना कारोबार करते हैं। ये मांगते नहीं हैं, यहाँ पर हाथ नहीं फैलाते, बल्कि छोटा मोटा अपना ना कारोबार कर लेते हैं, काम काज कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ सब्ज़ी स्टॉक हुई पड़ी है, शॉपरों में पैक मिलेगी, यहीं से लोग जो है ना उठा के फिर रेहड़ियों पे लगा लेते हैं। और बिल्कुल ये दो किस्म की भिंडी है, ये देखें, एक ये वाली है और एक ये दूसरी है। दो किस्म की यहाँ पे भिंडी मौजूद है, दो किस्म के सेब भी हैं, दो किस्म के अंगूर भी हैं। देखें यहाँ पर इनके अंगूर काफ़ी बिक रहे हैं, मेरे ख्याल से सस्ते दे रहे हैं। ये भाई साहब ने भी यहाँ पे छोटा सा ठेला अपना लगा रखा है। ताज़ा अंजीर है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी ये इन्होंने देखिए थालियों में यहाँ पे किस तरह से अंजीर लगा रखी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा यहाँ पे फ्रूट लगा हुआ है, और यकीन करें ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे सस्ता मिल रहा है। हमारे पाकिस्तान की नस्बत यहाँ पर 2 गुना 3 गुना या 4 गुना तक यहाँ पर कम रेट हैं। 30 रुपये किलो अंगूर मिल रहे हैं और यहाँ पर हम ले रहे हैं किलो, और 30 रुपये पाकिस्तानी कितने बने, तकरीबन 90-95 रुपये बने। अरे ज़्यादा हो गए, ये किलो से कम है, ज़्यादा है, कम है, 1 किलो। ये इन्होंने वज़न भी जो है ना इस तरह के रखे हुए हैं। अब बोल बोल रहा था ना ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे तरबूज भाई साहब पड़े हैं और देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पे रेड हैं, हमारे को देख के मुंह से पानी आ गया, इतने ज़्यादा फ्रेश और रेड यहाँ पे तरबूज पड़े हैं। काट के नहीं दे रहा? मेरे काम अभी छुरी नहीं, हम कैसे काटें इसको, बोले चेक करा के दो। अच्छा जड़ जड़े खेल रहा है। अफगानियों वाला ही है। ओए लाल लाल है ये, देखे जी पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है, बिल्कुल लाल सुर्ख। इतना इसमें पानी है ना तो बता नहीं सकते। देखे पानी तो वैसे ही तेरे मुंह से आ रहा था देख के। इसमें बहुत ज्यादा क्यों वो पानी। ये देखिए एक और यहाँ पे चीर रहे हैं भाई साहब, ये है अफगानी माल।
देखे बिल्कुल लाल सुर्ख फ्रेश काट काट के ना रखे जा रहे हैं इतने सारे। ओए होए 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 ये चेक करें लाल सुर्ख। ये भाई साहब आप ना कैसे संभालेंगे इनको? एक एक आप पकड़ लो, एक मैं पकड़ लूंगा। ये आप पकड़ लीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक नहीं है क्या? चार पाँच किलो का 30 रुपए का मिले हमें। हाँ यहाँ पे कोई किलो विलो के हिसाब से नहीं होता, बस दाने के हिसाब से होता है, उठाओ और ले जाओ। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे भी सारे, यहाँ पे कितने रेड यहाँ पे पड़े हैं तरबूज, बिल्कुल मीठे शहद की तरह। अफगानिस्तान में आके मजा ही आ गया, मतलब इतना सस्ता फ्रूट मिलता है ना यहाँ पे, हम सुबह से फ्रूट ही खाए जा रहे हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह यहाँ पे कितनी फ्रेश यहाँ पे सब्जी आई हुई है, अभी शाम हो गई है और सब्जी आप देखें यहाँ पे कितनी फ्रेश है। ये सुर्ख यहाँ पे टमाटर हैं और यहाँ पे ये बैंगन, साथ में ये प्याज वगैरह, आलू, ये सब कुछ यहाँ पे पड़ा है और लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे मज़े की, यहाँ पे ये सामने जो है ना, यहाँ पे जूस भाई साहब दे रहे हैं और 10 रुपये में। ये देखें इतने सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं और ये आपको 10 रुपये में देते हैं। थोड़ा टाइम पास करते हैं, वैसे तो पेट भरा हुआ है। बैंगन की सब्जी है और साथ में रबड़ जैसी रोटी है। खूबसूरत मस्जिद है, लेकिन क्या है ना कि इसके ऊपर वाली जो बिल्डिंग है उसका काम अभी रुक चुका है, क्योंकि नई गवर्नमेंट आने से यहाँ पे जितने भी काम हो रहे थे कंस्ट्रक्शन के, बड़ी बड़ी इमारतों पे, सरकारी इमारतों पे या मस्जिद पे, वो वहीं पे अभी रुके पड़े हैं पैसों की कमी की वजह से। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये दोबारा स्टार्ट होगी मस्जिद और कम्प्लीट बन जाएगी। अभी बाहर का भी एरिया जो है ना कंस्ट्रक्ट होने वाला अभी पड़ा है, टाइल्स वाइल्स लगना बाकी हैं। ये मस्जिद का बाहर वाला सहन है, जहाँ पे ये सामने वज़ू खाना है, गुसल खाने हैं, वहाँ पे काफ़ी बड़ी मस्जिद है। लेकिन इनके मीनार जो हैं ये अभी यहीं पे इनका काम रोक दिया गया है, और बाकी मस्जिद माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत वसी है। उठा ले। हम मौजूद हैं यहाँ पे काबुल अड्डा पे और जहाँ से हम जा रहे हैं हेरात की तरफ, तो यहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिल रही। हेरात की एक ही गाड़ी मिल रही है सुबह 5 बजे की, और सुबह 5 बजे फिर कौन बंदा यहाँ से सारी रात कैसे गुजारे। तो अभी यहाँ पे कोई हेरात अड्डा बता रहे हैं, वहाँ पे करीबन 1 घंटे का सफर है, तो अभी वहाँ तक चलते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, फिर वहीं पे जाके फिर तय वय करते हैं। यहाँ पे ये सारे मतलब आपको होटल्स दिखेंगे और यहाँ पे लोग बैठे हैं जो टिकट्स वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं। ये देखिए सारी बसेस जहाँ से काबुल की तरफ निकल रही हैं, ये देखिए इसको कैसे खींच के ले जा रहे हैं गाड़ी में, यहाँ पे ऐसे जबरदस्ती चलती है।